हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। एक्चुअली आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेबोटमी। फ्लेबोटमी एक टेक्निक होती है जिसको हम ब्लड कलेक्शन जिस टेक्निक के थ्रू हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उसी टेक्निक को हम फ्लेबोटमी बोलते हैं। तो आज हम जितने भी हमारे DMLT BMLT और स्टाफ नर्स से रिलेटिव जितने भी दोस्त हैं हम उन सब के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं करना वीडियो को, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आइए कर दें स्टार्ट। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, कलर बेसिस पे, कलर कोडिंग के बेसिंग पे हमने सभी ट्यूब्स के बारे में हमने बातें की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेबोटमी। हमने फ्लेबोटमी का भी प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था और हमने बोला था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें फ्लेबोटमी के बारे में इन डिटेल बताएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेबोटमी के बारे में। एक्चुअली फ्लेबोटमी है क्या? ब्लड कलेक्शन करने का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसे हम फ्लेबोटमी बोलते हैं। और इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक होता है फ्लेबोटमी और एक होता है फ्लेबोटोमिस्ट। अब फ्लेबोटमी तो हमने आपको बता दिया कि ब्लड कलेक्शन करने का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसे फ्लेबोटमी बोलते हैं। और फ्लेबोटोमिस्ट क्या होता है? जो टेक्नीशियन ब्लड कलेक्शन करता है उसे हम फ्लेबोटोमिस्ट बोलते हैं। सभी लैब्स में, हॉस्पिटल्स या किसी भी बड़े हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेबोटोमिस्ट के लिए स्पेशल पोस्ट होती हैं और वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं इस पोस्ट के लिए। अगर मेरे कोई भी दोस्त अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इसको कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहें तो इस पोस्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं फ्लेबोटोमी के बारे में, जिसको जानकर आप लोगों को बहुत ही बड़े लेवल पे बेनिफिट होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें जानने के लिए हमारी वीडियो का एंड तक देखें दोस्तों। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक बटन पर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं फ्लेबोटोमी के बारे में। किसी भी पेशेंट का ब्लड कलेक्शन करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, इसलिए आप बस कुछ बातों का ध्यान रखकर ईजिली सीख सकते हैं फ्लेबोटोमी। वैसे तो दोस्तों फ्लेबोटोमी या ब्लड कलेक्शन इतना आसान है नहीं, लेकिन इसके लिए साइंस और आर्ट यानी आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। यदि आपके पास नॉलेज है और आप प्रैक्टिस में नहीं हैं तो आप ब्लड कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास प्रैक्टिस है बट नॉलेज नहीं है तब भी आप वेल प्रोफेशनली तरीके से सैंपल कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, जो कि एक फ्लेबोटोमिस्ट के लिए एक बहुत ही मुश्किल और मतलब बिल्कुल सही नहीं है एक तरीके से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ फ्लेबोटमी की। जो हमारी फ्लेबोटमी है उसके अंदर पूरा होल प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब पेशेंट आपके पास ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए आता है तो आपको पेशेंट से इको फ्रेंडली और पोलाइटली तरीके से बात करनी है। पेशेंट को ऐसी बात करनी है, उसको बिल्कुल ग्रीट करना है अच्छे तरीके से, ताकि वो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन से ही अच्छी तरीके से आपसे सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बात क्या करेंगे, उसके बाद पेशेंट को सीट ऑफर करते हैं बैठने के लिए। जब ये सब हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो पेशेंट आता है उसके पास से डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को हम लेंगे और केयरफुली उसको रीड करेंगे पूरा। डॉक्टर ने उसमें जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं हम उनको बहुत अच्छी तरीके से रीड करेंगे। रीड इसलिए अच्छी तरीके से करेंगे ताकि, क्योंकि ऐसा होता है बेसिकली डॉक्टर्स की जो हैंडराइटिंग होती है हर कोई इजीली नहीं पढ़ पाता है, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, पता चली वो डॉक्टर ने CBC टेस्ट लिखा है और हम उसको CRP पढ़ लें तो, और फिर वही उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है और केयरफुली जो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है पेशेंट्स का उसको हम रीड आउट करेंगे और सभी इन्वेस्टिगेशंस को देखेंगे। तीसरा पॉइंट ये होता है, उसके बाद हम जो एक टेस्ट रिकोसीजन फॉर्म होता है जिसे हम TRF बोलते हैं उसको फिल करेंगे। उसमें हम पेशेंट की कुछ डिटेल्स लिखते हैं, जैसे पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं,
उसको मेंशन करने के बाद क्या करेंगे, वो फिर हम करते हैं नंबर चार पॉइंट को फॉलो। जो अभी ये नंबर चार पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान देने वाला पॉइंट होता है। एक्चुअली ब्लड कलेक्शन करने से पहले हम पेशेंट का राइट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? राइट आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि एक ही टाइम पर अगर दो पेशेंट आपके पास में आ जाते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए, तो हमें क्या, हम उस कन्फ्यूज़न में, अब पेशेंट ने हमको दोनों पेपर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा दिए, अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में कि हमको इस पेशेंट के क्या टेस्ट करने हैं और उस पेशेंट के क्या करने हैं। कहीं पता चली हम दूसरे पेशेंट के दूसरे टेस्ट कर दें और उसके वो, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमको सबसे पहले राइट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे हाथ में जो प्रिस्क्रिप्शन होगा पेशेंट का और हमें जो ब्लड कलेक्शन करना होगा, हम उसी के बारे में पेशेंट से कुछ बेसिक से डिटेल्स मांग लेते हैं। जैसे कि हम पेशेंट का नाम पूछ लेंगे और एज पता कर लेंगे। दूसरा पेशेंट अगर पेशेंट थोड़ा एजुकेटेड है तो हम उससे पता कर पूछ सकते हैं कि आपको डॉक्टर ने क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं, आप कौन से टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो पेशेंट खुद ही बता देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट नंबर पाँच पे आते हैं। उसके बाद हम करते हैं, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन TRF जो होता है हमारा, हम उसको फिल कर लेंगे अच्छे से। फिल होने के बाद में उस पेशेंट से रिलेटेड सभी सामान को प्रिपेयर करेंगे। जो पेशेंट है उसके टेस्ट से रिलेटिव हम सारा जो सामान होगा, जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, हम उनको प्रिपेयर करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस देते हैं हम पेशेंट्स को, जो सैंपल देने की, और कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को खुद कलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि यूरिन सैंपल हुआ, सीमन सैंपल हुआ, ये सारी चीज़ें हम उनको एडवाइस करेंगे। उनको अच्छे से समझाते हैं कि तुमको कैसे ये सैंपल रिसीव करना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना उस टेस्ट से रिलेटिव इक्विपमेंट्स हैं उन सबको हमने कलेक्ट कर लिया है। जैसे कि कुछ हमारे इक्विपमेंट्स क्या होंगे, हमारे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होंगे, जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, जो भी टेस्ट लिखे हुए हैं, हम उससे रिलेटिव हम अपनी सारी डिवाइस को प्रिपेयर कर लेंगे। टर्निकोट रखेंगे, वैक्यूटेनर होल्डर और नीडल्स, अगर आप वैक्यूटेनर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिरिंज यूज़ कर रहे हैं तो सिरिंज लेंगे, स्प्रिट कॉटन लेंगे और साथ ही बैंडेज भी लेंगे। उसके बाद हम हैंड हाइजिंग करेंगे अपनी, सैनिटाइज करेंगे अपने हाथ को और ग्लव्स पहनेंगे। जहाँ से हमें पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, वहाँ से उसे जहाँ पे हम सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं उससे 4 सेंटीमीटर्स ऊपर हम टर्निकोट को बांधते हैं। और टर्निकोट ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वे में बांधते हैं। लेकिन एक बात का स्पेशल ध्यान देना होगा दोस्तों, जब आप एक बार टर्निकोट बांध देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप एक बार टर्निकोट बांध देते हैं तो आपको विद इन 2 मिनट्स में सैंपल कलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और ज़्यादा टाइम लगाया तो ब्लड जो हम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो हेमोलाइसिस हो सकता है। हेमोलाइसिस होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। यदि बाई चांस ऐसा होता भी है तो आप टर्निकोट को रिलीज़ करके पेशेंट को 2 से 3 मिनट्स के लिए रेस्ट करा सकते हैं और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू आप पूरा ये प्रोसेस चालू कर सकते हैं। उसके टर्निकोट को अप्लाई करने के बाद वेन को अच्छे से फील करेंगे। वेन को फील करने के बाद हम क्या करते हैं, उस एरिया को हम स्प्रिट कॉटन से या अल्कोहल, जो भी अल्कोहल कॉटन है हमारे पास में, उससे क्लीन करेंगे। इससे हम क्या करते हैं, ये हमारे एक टाइप का ये स्टेलाइजेशन होती है प्रोसेस, इसको हम उस स्किन को स्टेलाइज करते हैं। और स्टेलाइज करने की भी हमारी एक टेक्निक होती है, ये नहीं है कि हमने कॉटन लिया और बस उसको अप एंड डाउन साइड एंड प्रेस करके कैसी भी बस उसको रब कर दिया और हो गई, ये बिल्कुल गलत टेक्निक है दोस्तों। इसलिए हमको कैसे करना है, जहाँ से हमको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है वहाँ पे हम एक बार कॉटन को क्लॉक वाइज ऐसे राउंड करेंगे और एक बार एंटी क्लॉक वाइज उसको उल्टा उसी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको एग्जिट करेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सरफेस पे होता है वो पहले तो उसमें कलेक्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज जब हम निकालते हैं तो उससे एग्जिट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उस पे होता है, बैक्टीरिया वायरस कोई भी चीज़ होती है, वो क्या होता है, ये वो किल तो नहीं होता है, मरता नहीं है, बट क्या होता है वो उस सरफेस से
वो अपने जो प्लेस को उसको चेंज कर देता है, वो वहाँ पे रुकता नहीं है, और हमारा सैंपल कलेक्शन करने के लिए वे जो होता है वो क्लीन हो जाता है, बिल्कुल सफिशेंट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो निडल होती है उसको हम 40-45 डिग्री एंगल पे प्रिक करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है फ्लेबोटोमी के अंदर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं तो जो हमारी जो सिरिंज होगी वैग्यूटिनल निडल होगी या जो हमारे सिरिंज की निडल होगी उसको हम 40-45 डिग्री एंगल पे प्रिक करते हैं। ख़ासतौर पे ध्यान देना होगा कि निडल को 45 डिग्री एंगल पे ही सरफेस में इंजेक्ट कराना चाहिए। अगर ज़्यादा अंदर या डीप प्रिक करते हैं आप तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर हमने उसको ज़्यादा डीपली प्रिक कर दिया तो निडल जो है वो वेन के आर पार चली जाएगी, और वेन के आर पार जाने का मतलब है कि वो वेन हमारी पंक्चर हो जाएगी टोटली, यानी कि वो फट जाएगी, और वहाँ से फट जाने के बाद हमारा जो ब्लड तो आ जाएगा बट उसमें क्या होगा उसके ब्लड भी नहीं आएगा, सॉरी सैंपल कलेक्शन भी नहीं होगा, और दूसरा ये कि वहाँ पे हीमोटोमा बनने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। हीमोटोमा एक ब्लू कलर के, कभी भी अगर आपने दोस्तों कभी देखा हो या फिर आपने अपनी लाइफ में कभी ब्लड कलेक्शन कराया हो और आपके साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो उसमें ऐसा होता है कि ब्लू कलर के गांठ सी बन जाती है और उसमें दर्द भी होता है और वो पूरा एकदम डार्क ब्लू हो जाता है, तो उसी को हम हीमोटोमा बोलते हैं। इसलिए बड़ी ही सावधानी से निडल प्रिक करेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग और ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हम सभी टेस्ट ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में दोस्तों हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको इन डिटेल बताएंगे क्या होता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, कैसे हम उसमें सभी वाइज को हम सीक्वेंस वाइज कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल हम अभी जो फ्लेबोटमी प्रोसीजर है उसके बारे में हम आपको बता रहे, तो आप इसी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उसमें फिर हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के सीक्वेंस से हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कलेक्शन करेंगे और लास्ट ट्यूब बचती है हमारी, जैसे कि अभी हमारे पास में 6-8 वाइल्स हैं, अगर हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो हम कलेक्ट करते टाइम जो हमारी लास्ट वाइल बचेगी उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा टोर्निकेट बंधा होता है हम उसको पहले सैंपल को लगाने से पहले हम उसको रिलीज़ करते हैं, उसको हम खोल देते हैं, और उसके बाद हम कॉटन से कवर करते हुए निडल को निकालेंगे। उसके बाद हम निडल सिरिंज और कॉटन को बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग सही बिन में डिस्कार्ड करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है ये भी हम आपको अपनी फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन डिटेल। तो दोस्तों फिलहाल तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हम करेंगे जहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया है वहाँ पे कॉटन लगा कर रखेंगे 2 मिनट्स के लिए, और उसके बाद बैंडेज लगा देंगे 2 मिनट्स के लिए, हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बैंडेज लगा देते हैं। और दोस्तों जहाँ ब्लड कलेक्शन करने से पहले एक चीज़ का आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं उसको हम अच्छी तरीके से हम उसको फील कर लेते हैं तो वहाँ से हमको सैंपल कलेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि हमको सैंपल कलेक्ट कहाँ से नहीं करना होता, कौन कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ से हमें सैंपल कलेक्ट नहीं करना होता। सबसे पहले तो हमारी ऐसी एक पहली जगह होती है हीमोटोमा, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी हीमोटोमा है तो आप वहाँ से सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा अगर किसी की स्किन जली हुई है, किसी को कोई बर्न एरिया है अगर उसकी स्किन जली हुई है तो हमको वहाँ से भी सैंपल कलेक्शन नहीं करना है। तीसरा अगर सर्जरी हुई है, किसी भी टाइप की सर्जरी है हाथ में, अगर पैर से कलेक्शन कर रहे हैं पैर में तो हम वहाँ से सैंपल कलेक्शन नहीं करेंगे। और ज़्यादातर क्या होता है हम मोस्टली लेफ़्ट और राइट हैंड से ही सैंपल कलेक्ट करते हैं, यही दोनों हाथ होते हैं, और मोस्टली हम लोगों को क्या करना है लेफ़्ट हैंड को ही प्रीफर करना है सैंपल कलेक्शन के लिए, ये सबसे बेस्ट एक वे होता है सैंपल कलेक्शन का। फिर उसमें हमें क्या करना होगा, हमारी वेंस होती हैं, जो वेंस हमारी जो तीनों वेंस होती है मोस्टली जो हैंड में, उसमें एक मीडियल क्यूबाइटल वेन होती है वो सबसे बेस्ट होती है, सबसे सही होता है। उसमें क्या होता है पेशेंट को ज़्यादा पेन भी नहीं होता है और आप इजीली उससे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट हाईली पेनफुल वे, एंड कलेक्शन भी परफेक्ट होगा उसमें। और जब किसी पेशेंट को बाई चांस हीमोटोमा हो भी जाए, अगर बाई चांस हीमोटोमा हो भी जाए तो क्या करेंगे, हम उस पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उस एरिया को आइस से या गर्म पानी से उसकी सिकाई करें,
उससे जल्दी आराम पड़ जाता है, एक से दो दिन में वो ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच लास्ट तक हमारी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी अगर आपको नॉलेज गेन हुई हो या फिर आपको मेरी इस वीडियो को मतलब ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप ही दोस्तों मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियोस अगर आप मेरे इस चैनल पे को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से मेरी जितनी भी वीडियोज़ है सभी को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, मैं आपके लिए वही वीडियो बनाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियो।